गजब की दीवानगी है तुम्हारी मोहब्बत में, गजब की दीवानगी है तुम्हारी मोहब्बत में, तुम हमारे नहीं फिर भी हम तुम्हारे हो गए। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपको कई महत्वपूर्ण खबरों से जोड़ना चाहते हैं और आइए हम आपको खबरों की तरफ लिए चलते हैं। हमारे पास पहली खबर आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है। आपको भी बता दें कि आज और कल दो दिनों तक रक्षाबंधन मनाने की बातें सामने आ रही हैं। आज भी कई जगहों पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हम आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर रक्षाबंधन के दिन अपने प्रधानमंत्री आवास में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारे और इस मौके पर सभी को तिरंगे भी दिए। तिरंगे दिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से कहा कि तिरंगा अखंडता और एकता का प्रतीक है, तिरंगा के महत्व को उन्होंने बच्चों को समझाया। कुछ खास तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में बच्चों से मुलाकात की रक्षाबंधन के दिन और तिरंगा प्रदान करते हुए तिरंगा के महत्व को उन्होंने समझाया। बच्चियों की मुस्कान ये बताने के लिए काफी है कि ये उनकी जिंदगी के कभी ना भूलने वाले पल हैं। रक्षाबंधन के मौके पर इन बेटियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने का मौका मिला। पहले मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन जब पीएम सर को बातें करते सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि हम उनके घर के ही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पीएम को राखी बांधने का मौका मिला और मुझे इसका उम्मीद नहीं था। सबसे खास बात ये कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सबसे जूनियर कर्मचारियों के ये बच्चे हैं। कोई सफाई कर्मी की बेटी है तो किसी के पिताजी यहाँ प्यून हैं, किसी के पिताजी गार्डनर हैं तो कोई ड्राइवर के रूप में योगदान दे रहा है। मैंने उनको फर्स्ट टाइम इतने क्लोजली देखा है एंड उनको राखी बांध के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसी मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा और सर ने हमसे बहुत बातचीत की तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि घर की बातचीत बहुत अच्छा। मवेशी तस्करी के मामले में आखिरकार अनुव्रत मंडल, जो तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और बीरभूम जिले के अध्यक्ष हैं, वो गिरफ्त में आ गए सीबीआई के और आखिरकार सीबीआई ने उनके आवास से बोलपुर स्थित नीचू पट्टी इलाके में उनका आवास है, उनके आवास पर दबिश देकर सीबीआई के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके घर में ही उन्हें कई घंटे तक रखा गया, तकरीबन डेढ़ घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। और इधर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे पे नारे लगा रहे थे बाहर, और उधर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नारे लगाने के बावजूद भी सीबीआई के अधिकारियों ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें आज आसनसोल के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से उनकी पेशी हुई अनुव्रत मंडल की। मवेशी तस्करी के मामले में उन्हें नोटिस भेजी गई थी बुधवार को, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो पेश नहीं हुए। आखिरकार सीबीआई के अधिकारियों को दबिश देनी पड़ी और उनके बोलपुर स्थित आवास से उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। उसने उन्हें आसनसोल के सीबीआई स्पेशल अदालत में पेश किया गया और यहां
पेश करने के बाद अदालत ने जो फैसला दिया, हम आपको बता रहे हैं कि अदालत ने कहा कि अगली 20 तारीख को उनकी फिर से पेशी होगी, तब तक के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 20 तारीख को अनुव्रत मंडल की पेशी फिर से की जाएगी, फिर से पेशी होगी, तब तक के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। देशभक्ति की भावना के बीच आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। देश भर में देश के कई हिस्से से हमारे पास खबर आ रही। हम आपको लिए चल रहे हैं मालदा जिले में। मालदा जिले में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी तिरंगे के बीच बीएसएफ के जवानों को यहाँ राखी बांधी गई। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ मौजूद महिलाओं ने किस तरह से बीएसएफ के जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी और उनकी सलामती की दुआएं मांगी, और जवानों के हाथों में तिरंगा भी दिखा गया और जवान तिरंगा लेकर चहलकदमी करते रहे। और इन्होंने बताया कि तिरंगा सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, देश का तिरंगा सबसे ऊपर है, और तिरंगे के बीच देशभक्ति की भावना के बीच यहां भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर राखी का त्यौहार मनाया गया, राखी उत्सव मनाया गया। यहां की महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी। आइए दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें आपको। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हो। Oh
बिल्कुल रहना समझिए। শুন।